दोस्तों, रोज़ की तरह हमें लिखित ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल बख्शी की कामना के साथ दोस्तों, बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। आज दोस्तों 3 मई 2024 शुक्रवार का दिन, कृष्ण पक्ष की दशमी, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि। आज के शुभ मुहूर्त की अगर बात करें दोस्तों, अभिजीत मुहूर्त 11:57 से 12:49 तक और राहु काल 10:38 से 12:18 तक। अमृत मुहूर्त दोस्तों 5:24 से 6:53 तक और ब्रह्म मुहूर्त दोस्तों 4:19 से 5 बजे तक। सूर्योदय आज दोस्तों 5:56 और सूर्यास्त जो है 6:51। इस प्रकार से आज जो है शुक्रवार के दिन की शुभारंभ और शुक्रवार के दिन का शुभारंभ है दोस्तों। शुक्रवार की प्रवृत्ति सभी जानते हैं मृदु होती है और यह दिन एक ओर जहां लक्ष्मी माता को समर्पित होता है, वहीं दूसरी ओर मां काली और दुर्गा माता को भी और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को भी यह दिन समर्पित होता है। माँ लक्ष्मी और दुर्गा माता की पूजा का दिन यह है दोस्तों। लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा व्रत उपासना करने से हमारे जीवन में अनेक प्रकार की सुख समृद्धि के साथ धन धान्य की प्राप्ति होती है और शुक्राचार्य जैसे कि दोस्तों गणेश जी के गुरु माने जाते हैं, गणेश जी प्रथम देव के रूप में पूज्य हैं। उस दिन दोस्तों लक्ष्मी माता को, यह दिन लक्ष्मी माता को भी समर्पित और पूजा व्रत और लक्ष्मी माता का ध्यान करने से हम धन धान्य से परिपूर्ण हमारा जीवन होता है और मनोवांछित फलों की प्राप्ति हमको होती है और घर में सुख शांति का आभास होता है, खुशियों का आगमन होता है। तो लक्ष्मी माँ शुक्र देवी की पूजा और शुक्र ग्रह की मजबूती के लिए और सफ़ेद कपड़े और चावल, दूध, दही, घी, चीनी, कपूर, मिश्री दान करके और माँ लक्ष्मी को भी भोग लगाया जाता है। इस प्रकार से दोस्तों दुर्गा माता की उपासना का भी अनेक प्रकार से विधान है। जिस जातक के जीवन में दोस्तों शुक्र जो है यश और कीर्ति का मानक माना जाता है, हमारे जीवन में यश कीर्ति का जो द्योतक होता है वह शुक्र देवता होते हैं और पैसे की तंगी आती है, शुक्रवार को दोस्तों सबसे ज़्यादा घर में अपनी सफाई और अपने स्वयं की सफाई, साफ सुथरा जितना हम रहेंगे, स्वच्छ वातावरण में रहेंगे, उतना माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है, माँ लक्ष्मी प्राप्त होती है। तो शुक्र दोष को दूर करने के लिए दोस्तों हमें माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, दुर्गा माता की पूजा उपासना करके विधि विधान के साथ दुर्गा माता का उपवास करना व्रत करके और शुक्रदेव को मनाना चाहिए और माँ लक्ष्मी शुक्रदेव की पूजा व्रत आराधना से शुभता की प्राप्ति होती है। और इस दिन दोस्तों हमें खट्टा भोजन नहीं करना चाहिए, खट्टी चीज़ें का सेवन नहीं करना चाहिए, साफ सुथरे और लाल रंग के वस्त्र माँ दुर्गा में चढ़ाने चाहिए। और इस प्रकार दोस्तों शुक्रवार जो है वह पैसों के, इस दिन जो है किसी प्रकार के धन धान्य और पैसों के लेन देन से बचना चाहिए किसी। और शुक्रवार इस बार का द्योतक भी होता है दोस्तों, इस दिन जो असहाय होते हैं, वृद्ध होते हैं, किसी भी व्यक्ति की आत्मा को दुखाना नहीं चाहिए, अपमानित नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन शुक्रवार को बहुत ही निषेध माना जाता है, इस दिन जमीन और घर की खरीदारी से भी बचना चाहिए और व्रत उपवास और ध्यान पूजा करके लक्ष्मी माता का आशीर्वाद प्राप्त करके तेज और यश और जीवन को यशस्वी बनाने का के लिए माँ दुर्गा और लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। इस प्रकार से हमारे
उसमें विधान है, शास्त्रों में विधान है, माँ लक्ष्मी, ओम लक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी नमः, इस प्रकार से लक्ष्मी माता का पूजन करने से, ध्यान लगाने से अनेक प्रकार के शुभ भावों का संचार। क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों, सुंदरकांड का अध्ययन चल रहा है, रामचरितमानस का प्रसंग चल रहा है, और माँ जानकी को हनुमान जी जब लंका में पहुँचते हैं, अशोक वाटिका मान जाते हैं, अशोक वन में जो है अनेक प्रकार के जो अशोक वाटिका में तरह तरह के फल फूल और फूलों से लदे हुए वृक्ष उनको दिखते हैं, तो वानर जाति होने की वजह से, वानर रूप होने से उनका मन लालायित हो जाता है, और वह जो है माँ से कहते हैं कि मुझे जो है फल खाने की इच्छा हो रही है, और मुझे तरह तरह के यहाँ पर वाटिका, अशोक वाटिका में फलों से लदे हुए वृक्ष हैं, तो मेरा मन लालायित हो रहा है। लेकिन सीता माता उनको बताती हैं कि यहाँ पर अनेक प्रकार के राक्षस हैं जो देखभाल करते हैं, चारों तरफ रक्षा करते हैं, पेड़ों की रक्षा करते हैं, तो वह तुमको फल नहीं खाने लगे। लेकिन हनुमान जी ने कहा कि मुझे रामचंद्र की शक्ति प्रदान है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की मेरे अंतःकरण में है, मुझे किसी प्रकार का भय नहीं है, केवल आप मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं सुविधा अनुसार फलों को खा सकूँ और फलों का भक्षण कर सकूँ। तब वह कहते हैं दोस्तों, कल के प्रसंग में था, मन संतोष सुनत कवि वाणी, भगति प्रताप तेज बलशाली, आशीष दीन राम प्रिय जाना, होई तात बलशीलना। सीता जी को जब ऐसा एहसास होता है, ऐसा पता चलता है, हनुमान जी के दिव्य अवतार को जब देखती हैं, तो उनके हृदय में हनुमान जी के प्रति अपार स्नेह के भाव व्यक्त होते हैं, पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं, भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी को सुनकर सीता जी के मन में अपार संतोष की अनुभूति होती है, और उन्होंने श्री राम जी को प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो, घर हो, भंडार हो, तुम्हारे पास इतनी शक्ति है। जब हनुमान जी ने उनको अपना विराट रूप दिखाया था, तो कल के प्रसंग में ही है दोस्तों, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करम बहुत लघुनाय विशो, करम कृपा प्रभु अशुभ निभाना, निर्भय प्रेम मगन अनुभाना। तब हे पुत्र, तुम अजर और बुढ़ापे से रहित हो, अजर अमर हो, मर्यादा वसु भगवान राम जी को आपको अमरत्व का वरदान दिया है, अमर गुरुओं के खजाने हो, और श्री रघुनाथ जी की कृपा तुम पर हमेशा बरसी हुई है, और प्रभु कृपा करें ऐसा कानों से सुनते हनुमान जी के पूर्ण रूप से वह अंतर मन से निमग्न हो गए। तब बार बार नाई परेशी से, तब माता जानकी जो को बार बार अपना सिर नवाते हुए, प्रणाम करते हुए, अभिवादन करते हुए बोला वचन जोड़ कर गई ईशा, और वह फिर हाथ जोड़कर अनेक प्रकार से माता से याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अब कृतज्ञ हो मैं माता। तब कहते हैं कि अब मैं चारों लोकों से जो है, तीनों लोकों से जो है, मैं दैहिक दैहिक भौतिक तापा अनेक प्रकार की तापों से मेरे को मुक्ति हो गई है, मैं धन धान्य से पूर्ण हो गया हूँ, और मैं कृतज्ञ हो गया हूँ, और मैं कृतार्थ हो गया हूँ। तब वह कहते हैं, कृतकृत्य भयो मे माता, आशीष तव अमोघ विख्यात, और आशीर्वाद अमोघ है, यह बात उनके अंतःकरण में जब आती है, अनेक प्रकार से सुनाऊ माँ तो मुझे अतिशय होगा। तब ऐसे प्रसंग पर हनुमान जी सीता जी कहते हैं, मुझको वानर जाति होने की वजह से, वानर स्वभाव होने की वजह से मुझे अत्यंत भूख लगी हुई है, लाभ देख सुंदर फलों का, अनेक वृक्षों पर तरह तरह के सुंदर फल फूल लगे हुए हैं, मेरा मन उनको देख करके लालायित हो रहा है, सुन सुत करें विभिन्न रखवाली, अनेक प्रकार के जो विभिन्न राक्षस हैं वो यहाँ पर तरह तरह के राक्षस जो है पेड़ पौधों की सुरक्षा करते हैं, रखवाली करते हैं, परम सुपर नेचर भारे, और वह जो है जो निशाचर हैं, जो राक्षस हैं वह विराट हैं, और वह अनेक प्रकार से भयभीत कर देंगे, इस प्रकार का सीता जी ने अपने भाव प्रकट किए। दिनकर भाई माता मुझे नहीं
अब हनुमान जी कहते हैं कि मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र के अलावा किसी का भय इस संसार में नहीं व्याप्त करेगा, मुझे कष्ट नहीं होगा, जो तुम अशुभ मानो हनुमान। अगर आप मन वचन और कर्म से वाणी से मुझे आज्ञा देते हैं तो मैं सहर्ष उन फलों को ग्रहण करने का मेरा मन कर रहा है, मेरा लालच उसमें भर गया है और मैं फलों आपके आशीर्वाद से मैं फलों को प्राप्त करूँ। तब देख बुद्धि बल निपुण कभी कही जाने की जा। तब जानकी जी ने जब हनुमान जी का प्रताप और बलवान और शक्तिशाली उनके स्वरूप को देखा तो उन्होंने उनको आज्ञा दे दी, अगर तुम अपने बलों से जाना चाहते हो, फल खाना चाहते हो, खाओ, लेकिन राक्षसी माया यहाँ पर है, रघुपति चरण हृदय है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का स्मरण अपने मन वचन और कर्म में रखना और धरि गात मधुर फल खाओ और जाकर के सुंदर मधुर रसीले फलों का सेवन करो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का नाम लो। इसी प्रकार जो है हनुमान जी ने भगवान का आशीर्वाद लेकर के, माता का आशीर्वाद लेकर के रामचंद्र का नाम स्मरण करके, राम राम करके उनका नाम स्मरण करके और वह जो है फल खाने की इच्छा में जागृत। तो दोस्तों यही है हनुमान जी के, हनुमान अपने जीवन को इस बात से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के ऊपर आसक्त किया, यदि हम अनासक्ति और समर्पण भाव से सांसारिक कर्म करेंगे, अनेक प्रकार के सांसारिक कर्म करेंगे और उसका परिणाम प्रभु पर छोड़ देंगे तो परमात्मा का अनुग्रह हमें प्राप्त होता है, उनकी कृपा हमको अवश्य प्राप्त होती है जिसका हनुमान जी को प्राप्ति। यदि वास्तव में हम संयम, सहिष्णुता, धैर्य, सहानुभूति और प्रेम को हृदय में उत्पन्न करना चाहें तो हमें उसके बदले अपनी मनोवृत्तियों की उत्संखलता और स्वार्थ को त्यागना होगा। जब तक हम अपने मन में उपजने वाली जो उत्संखलाएँ हैं, अनेक प्रकार की बातें हैं और जो हमारा स्वार्थ की भावना है, निष्काम भाव से हमको परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। तो दोस्तों हमें आत्मा और शरीर दोनों ही की मर्यादों का ध्यान रखना होगा और इसी के साथ होता है और इसी के साथ आत्मा पर इनका प्रभाव भी नहीं पड़ता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। ये सब जानते हैं दोस्तों, आत्मा परमात्मा का अंश है। तमाम स्रोतों से हम हमारे जीवन में और जो भी सद्भाव प्राप्त होते हैं, अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है अपनी वास्तविकता जानने के लिए, किंतु ईमानदारी को देखें तो कितने प्रतिशत हमारे अंतर्मन में वह हमारा जो हमारा अपना चित्त कहता है, चित्त से वह पता चल जाता है, तो हम उसी बात को आत्मसात करते हैं। यदि हम उसके कुछ ही अंशों को भी अपने जीवन में चरितार्थ करें तो हमें अपनी वास्तविकता का एहसास होगा और साधी शांति का भंडार अपने ही अंदर मिलेगा। कस्तूरी कुंडल वैसे मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे ही घटकर राम है दुनिया देखी में। तो हमारे अंतःकरण में परमात्मा हमेशा विराजमान रहते हैं सुख शांति पाने के लिए और अनेक प्रकार के सद्गुणों को पाने के लिए। हमें हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है और क्या हमको इसको जानने के लिए हमें स्वयं को प्रभु के प्रति समर्पित करना होगा। जिस प्रकार हनुमान जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी और सीता जी के ऊपर अपना जीवन पूरा समर्पित किया था। हनुमान ते परसा कर बुनि की प्रणाम, राम काज की नहीं बिना मोहि कम विश्राम। उन्होंने बल बुद्धि विद्या दे हुई हरम कलि स्वीकार, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कवि स्त्री अष्ट सिद्धि नवन की दाता अश्वरणी भुजानी माता, राम रसायन तुम्हारी पासा सदा रहो। तो इस प्रकार दोस्तों हम आवश्यकताओं की पूर्ति में हमेशा जीवन पर्यंत लगे रहते हैं और जीवन के उद्देश्य से हम भटक जाते हैं और ऐसी स्थितियों से बचा जा सकता है। अगर हम अपने अंतर्मन में परमात्मा का ध्यान लगाएं तो हम ऐसी स्थिति से बच सकते हैं और शांति हमारे हृदय को उद्विग्न करती रहती है। तो दोस्तों ज़रूरत है कि उसके आभास की
प्रत्येक मानव, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मानव अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार दूसरों की सहायता कर सकता है। ज़रूरत है कि मन बनाने की। आध्यात्मिकता भी हमें वही सिद्धांतों, उन्हीं सिद्धांतों की जीवन को सार्थक बनाने के लिए प्रेरित करती है। और संसार में सारी भौतिकता यही रह जाती है। जितने भी हम भौतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं, अर्जित करते हैं, हमेशा के लिए उसको कमाते हैं, वह सब इस संसार में भौतिक रूप में यही रह जाती है। लेकिन साथ जाता है पुण्य और परमार्थ। पुरुषार्थ जो है हमारे साथ जाता है, वही परमात्मा का सबसे बड़ा, वही हमारा भक्ति और ज्ञान का सबसे बड़ा स्वरूप है। तो सेवा के बदले कोई अपेक्षा हमको नहीं करनी चाहिए। अनेक बातों में दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्मण्येवाधिकार तो मां प्रदेश को राजनो, निष्काम भाव से परमात्मा का आशीर्वाद लो, निष्काम भाव से कार्यों की समरसता को आगे बढ़ाओ, चरितार्थ करो। तो इस प्रकार के भावों से दोस्तों सेवा भाव के बदले कोई भी अपेक्षा हमको अपने जीवन में किसी से भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अपनी जिम्मेदारियों को, चाहे वो पारिवारिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आध्यात्मिक हो, तो सभी प्रकार की जिम्मेदारियों के साथ सामाजिक जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए हमें हर समय तत्पर रहना चाहिए। और तभी यही सही अर्थों में दोस्तों जीवन हमारा सार्थक बन सकता है, जिस प्रकार हनुमान जी का जीवन सार्थक बना। उनको कभी स्वप्न में भी ऐसा नहीं था कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से इस प्रकार से सुग्रीव की मित्रता होगी और मित्रता के परिणाम से मेरे को इतनी शक्ति मिलेगी और मेरा नाम इस प्रकार से रामचरितमानस में प्रखर होगा, सृष्टि में मेरा हमेशा के लिए अमृत का वरदान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के द्वारा मुझे मिलेगा। तो परमात्मा के ऊपर जो आसक्ति हमारी होती है, वही आसक्ति हमारी जीवन पर्यंत कार्य करती है, जिस प्रकार हनुमान जी को अमृत का वरदान प्राप्त हुआ। तो दोस्तों इस प्रकार दोस्तों हमें जीवन के प्रति व्यापक दृष्टिकोण अपनाना होगा। प्रत्येक मानव जीवन को अपने जीवन के प्रति व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। जीवन का अर्थ केवल अपने तक ही सीमित रखे हम नश्वर शरीर को, जिसका जितना भला इस संसार में कर सकें, जितना किसी भी भाव से हम किसी लोक कल्याण का कार्य करें। इस प्रकार हनुमान जी ने अपने सर्वस्व को त्यागते हुए अनेक नदी, नाले, पहाड़ों, चट्टानों और हवा में अपना रूप बनाया और हवा के वेग से समुद्र में अनेक प्रकार के राक्षसों का सामना करते हुए सीता जी तक पहुँचने का उनका लक्ष्य था। उन्होंने प्रण लिया था और उस प्रण को उन्होंने पूरा किया। इसी प्रकार जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तो वह उसी शक्ति को अनेक प्रकार के भावों को अपने अंतःकरण में विराज करते हुए पवन वेग से जा कर के और सुमेरु पर्वत को जो है साथ ला करके सुसेन यानी उस पर्वत को लाए और उसी पर्वत से जो है जो संजीवनी बूटी थी वह लक्ष्मण जी को सुसेन मैत्री के माध्यम से उसको तैयार करके लक्ष्मण जी की जान बचाई। तो ये दोस्तों समर्पण की भावना है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जो जिसके अंदर समर्पण की भावना होती है और जो परमात्मा के भक्ति में वास्तविकता रखता है, तब वह हनुमान जी के गुणों को भली भांति समझे और उन्होंने अपने जीवन को पूर्ण रूप से समर्पित किया और रामदूत हनुमान के नाम से वो प्रसिद्ध हुई। आज भी दोस्तों इस सृष्टि में जब तक यह सृष्टि रहेगी और सृष्टि जब तक रहेगी तब तक हनुमान जी कहीं न कहीं इस सृष्टि में विराजमान रहेंगे और अनेक प्रकार के भावों से सृष्टि की रचना करेंगे और सृष्टि के समाप्त होने के बाद भी हनुमान जी का अवतार हमेशा दिव्य रूप में सजग रहेगा, ऐसा हमारे वेद शास्त्रों का प्रमाण है। इस प्रकार दोस्तों तो इसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों जब हनुमान जी ने जो है सीता जी से आज्ञा प्राप्त की, आज के प्रसंग में सुंदरकांड का प्रसंग है,
चलियो ना सिर बैठवी बागा, फल खायो थोड़ी लागा, रहे तहाँ बहुदर बहुभट रखवाली, कछु मारी और मारी मारी। तब सीता जी को सिर नवाकर उनके चरणों में प्रणाम करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करके हनुमान जी जो है चुपचाप से बाग में उस वाटिका में घुसे और फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। बहुत से योद्धा जो है वहाँ पर रखवाले थे और उनमें से कुछ को उन्होंने मार डाला और जो उनको परेशान कर रहा था उनको उन्होंने मार डाला और कुछ ने कुछ को जाकर रावण कुछ ने जो है वहाँ पर जाकर के रावण से पुकार की तो नाथ एक आवा कभी भारी थे अशोक वाटिका वाले। तब वहाँ पर तब राक्षस जो है यानी रावण से कहते हैं कि किस प्रकार का बंदर बाग में घुस आया है और वह जो है अनेक प्रकार से उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली है और खायों फल और बिटब उपारी और फल खा के वृक्षों को उखाड़ डाला है और रक्षक मर्द मर्द वहीं पर और जो भी वहाँ पर रखवाली कर रहे थे उनको कूट कूट करके मसल मसल करके उन्हें जमीन में गिरा दिया। इस प्रकार के भाव जो है रावण को जब उनके उनके जो रखवाले थे वह इस प्रकार से उनसे बातें करते हैं तो सुनी रावण पढ़ी बटना। तब रावण ने जब इस प्रकार का संदेश सुना तो सुनकर रावण ने बहुत से योद्धाओं को वहाँ भेजा और तिन्ह देखी गए हनुमान उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्दना की। बंदर का स्वरूप था दोस्तों जिसका बंदर आपस में गर्दना करते हैं ऐसे गर्दना की और तब रणनी चल कवि सुंदारी और हनुमान जी ने तब राक्षसों को मार डाला, जितने भी राक्षस थे सबको मार डाला और गए पुकार कछुआ मारे और कुछ जो है अधमरे थे और कुछ चिल्लाते हुए वहाँ से चले गए यानी उनका कोई अस्तित्व वहाँ पर नहीं रहा। उन्हें पढ़े हुए रक्षक मारा। तब रावण ने बड़े घमंड के साथ अभिमान के साथ अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा तो चला संगलय स्वर्ण अपार और वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को अपने साथ लेकर के रामचंद्र से यानी हनुमान जी से युद्ध के लिए गया और उनसे संघर्ष करने के लिए दौड़ा। तब आवत देख विटप अगला उसने आते देखकर हनुमान जी एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और जा ही निपा दे महाध्वनि गर्जा उसे मार कर महाध्वनि बड़ी जोर से गर्जना की। तब हनुमान जी को गुस्सा आया तो उन्हें अक्षय कुमार को पटक पटक करके मार दिया। तो दोस्तों अन्याय अत्याचार अधर्म का की समाप्ति के लिए न्याय सत्य और अच्छाई की स्थापना के लिए भगवान इस संसार में बार बार जन्म देते हैं और अनेक प्रकार के लोक कल्याणकारी कार्य करके सृष्टि की रचना को उजागर करते हैं। कछु मारे हो कछु मारे ही कछु मिलाए थे। तब हनुमान जी ने जो है सेना के कुछ जो उनके लोग थे उनको अकेले हनुमान जी ने असंघर्ष करके उनको कुछ को मार दिया और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर जमीन पर धूल पर गिरा दिया। कछु को नहीं जाए पुकारी रोमट कटबल और उसने जाकर पुकार की कि हे प्रभु बंदर बहुत ही बलवान है शक्तिशाली है वीर है उस हनुमान जी उस शक्ति के लिए हम जीत पाना हमारे लिए कठिन है। हनुमान जी की इस प्रकार की कृपा है। तब जब रावण को इस प्रकार की बातें सुनी तो अक्षय कुमार को उन्होंने मार डाला सुनी शुद्ध बदलंकी सुविधान। तब रावण को अपने अक्षय कुमार के वध के का समाचार सुनकर के पढ़े हूँ मेघनाथ बलवान अपने वीर पुत्र मेघनाथ को जिन्होंने लक्ष्मण जी को शक्ति मारे लगाई थी अग्निबाण जब मारा था क्योंकि उन्होंने शिव जी की भक्ति की थी शिव जी भी भक्ति में उनको वरदान मिला हुआ था उसी वरदान के बाद तो अमोघ बाण उन्होंने लक्ष्मण जी को मारा उनको शक्ति लग गई मार ऋषि जी को झूलवा नहीं और इस प्रकार जो है बलवान अपने पुत्र का बस सुनकर रावण क्रोधित हो उठा। उसने जो है अपने ही जो ज्येष्ठ पुत्र था मेघना उसको जो है भेजा और उसने कहा कि हे पुत्र मारना नहीं उस बंदर को मारना नहीं नीति और मर्यादा और किस प्रकार का वो बंदर है क्या उसकी छवि है क्या उसकी शक्ति है
तो रावण उसके बारे में पूरा जानकारी लेना चाहता था। तो बंदर बहुत ही तब उसने कहा कि उसको बांध के ला, नागफास जो तुम्हारे पास है उसके बांध करके लाना और देखूँ कभी हम कहाँ पर आए, यानी वो बंदर कहाँ से आया है उसके बारे में पूरा पूरा विवरण पता करें आखिर वो आया कहाँ से है। चला इंद्रजीत अद्वित योद्धा, तब इंद्र को जीतने वाला मेघनाद ने जो है इंद्र को जीता था, एक बार संघर्ष किया था, अनेक प्रकार से प्रकार का वृत्तांत है, तो इसीलिए उसका नाम इंद्रजीत कहलाता है। बंधु निधन सुने उपजा को, और भाई का बंधु ने भाई का यानी अक्षय कुमार का वध सुनकर के मेघनाथ को बहुत क्रोध आया, क्रोधातुर हो गया, वह बहुत ही क्रोध उसको आ गया। तब कहा कभी देखा दारुण भटावा, और हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है, इससे भी मुझे लड़ना है, इससे भी संघर्ष करना है, देखता हूँ इसमें कितना बल है। कटकटाई गर्जा उठावा, तब उसने कटकटा करके गर्जा कर गर्ज करके वह दौड़ने लगा और अनेक प्रकार से उनको शक्ति दिखाने लगा, अति विशाल तरुवी को पारा। तब उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और विरथ गिन लंकेश को मारा और प्रहार करके लंकेश कुमार जो रावण का पुत्र मेघनाथ को था उसके ऊपर उसके रथ के ऊपर उन्होंने उस वृक्ष को डाल दिया, रथ को तोड़कर उसने नीचे पटक दिया। रहे महाभटर ताके शंका, और उसके साथ अनेक प्रकार के योद्धा लोग थे, उनको पकड़कर हनुमान जी ने उनके शरीर को गही गही कभी मर्द नहीं कर उनके अंग अंग को तोड़ मरो करके हनुमान जी जमीन पर गिरा दिया। तिनई निपाता सनवाजा फिर जुगल मानो गजराजा, तब सबको मारकर फिर मेघनाथ से वो लड़ाई लड़ने लगे, उनसे संघर्ष करने लगे, और लड़ते लड़ते फिर जुगल मानो गजराजा ऐसे मालूम होते थे कि मान लो कि दो गजराज जो श्रेष्ठ हाथी जो हैं आपस में भिड़ गए हैं, लड़ गए हैं, मुठिका मारी चढ़ा तोड़ लाई। हनुमान जी ने उसको घूसा मार कर वृक्ष पर चाचा अपना वृक्ष में चले गए, उसको घूटा घूसा मार कर ताही एक क्षण मूर्छा आई और उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आई। तब उठी बहूर की नहीं बहु माया, और तब फिर उठकर उसने बहुत माया रची, ये मायावी था, उसको वरदान था मेघनाथ को, तो उसने मायावी रचना दिखाने का प्रयास किया, जी न जाए प्रभंजन जाया, और अपने मन ही मन सोने लगा कि पवन के पुत्र उसे जीते नहीं जाते हैं, इस प्रकार का उसने मन में भावना ब्रह्म अस्तते साधा। तब उसने अनेक प्रकार की रचना को करके जो उसको वरदान मिला हुआ था उसका अंत जो उसको ज्ञान जो ब्रह्म अस्त्र जो उसको माना था उस ब्रह्म अस्त्र का उसने प्रयोग किया कभी मन की न विचार। और तब हनुमान जी ने मन में विचार किया, अपने मन में सोचा जो न ब्रह्म शर्मान हूँ, यदि ब्रह्मास्त्र को मैं नहीं मानता हूँ तो हनुमान जी ने इस प्रकार का प्रयास किया कि ब्रह्मास्त्र को मानना उनके लिए अनिवार्य हो गया, क्योंकि देवताओं की अवहेलना हो जाती थी, इसी अवहेलना से बचने के लिए उसकी अपार महिमा मिट जाएगी, ब्रह्मास्त्र का कोई रहस्य नहीं रहेगा, ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा जो दिया हुआ ब्रह्मास्त्र है उसकी मर्यादा नहीं रहेगी, इसी मर्यादा को कायम रखने के लिए उसने जो है इस प्रकार का, और तब हनुमान जी ने जो है वहाँ पर उस ब्रह्मास्त्र को स्वीकार किया, ब्रह्म ज्ञान कभी कहूँ तो पारा। तब उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, तब परते हूँ बार कटु संहारा, और जिसके लगते हुए वृक्ष के नीचे गिर गए और तेही देखा कभी मुझसे गया। तब जब उसने उस ब्रह्मास्त्र को मारा तब हनुमान जी वहाँ पर जो है और गिरते ही हनुमान जी वहाँ पर तब देखा कभी मूर्छित गए हूँ, तब उन्होंने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं और वह बेहोश हो गए हैं, और तब वह उसको नाग फांस में बांध करके जब दोस्तों कोई भी जानवर होता है मनुष्य होता है अगर वह उसकी मनोवृत्ति बिगड़ जाती है तो उसको फिर
इस प्रकार से जो है बेहोश करके एक स्थान से दूसरे बार। लेकिन हनुमान जी ने ब्रह्म अस्त्र की मर्यादा को रखने के लिए और मर्यादा और ब्रह्मा विष्णु महेश के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए इस प्रकार का ध्यान किया कि उनको नागफांस से जो है जो मेघनाद से जो नागफांस बनाया था उसमें वो बट गए। जास नाम जब विष्णु भगवान शिव जी कहते हैं ऐसे समय पर शिव जी पार्वती से कहते हैं कि हे भवानी सुनो भव बंधन काट है नर ज्ञानी, यानी हे भवानी सुनो जिसका नाम जब का ज्ञानी हैं विवेकी हैं यानी ज्ञानवान लोग हैं सत्पुरुष हैं सज्जन हैं मनुष्य संसार के जन्म मरण के बंधन को से काट डालते हैं। तास दूत की बदतर बाबा, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है ये संभव नहीं हो सकता है। लेकिन मर्यादा की रक्षा के लिए नीति की रक्षा के लिए संस्कारों के रखने के लिए और ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति को हमेशा के लिए जीवित रखने के लिए उन्होंने इस प्रकार का प्रपंच किया, इस प्रकार के भाव रचे। प्रभु का रज लगी कभी बढ़ावा, किंतु प्रभु के कार्य के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बधा हुआ मानने का के लिए वो आतुर हो गए, उन्होंने उसको स्वीकार किया। कभी बंधन सुनी निश्चित है, स्वाभाविक है जब अनेक प्रकार के राक्षसों का जब उन्होंने वध कर दिया था, अंत किया था, अक्षय कुमार को मार दिया था, जब उनका उनको बांध दिया गया तब सारे राक्षस दूर दूर से दौड़ करके उस वहाँ पर देखने के लिए आए। कौतुक लाग इस बारे में आए, अनेक प्रकार के लोग वह राक्षस वहाँ पर आके कौतूहल करके अनेक प्रकार के अनेक प्रकार से अपना तमाशा देख और वहाँ के सब सभा के पास आए और दशम सभा दी कभी जाई कहीं जाए कुछ अधिक बहुत आई। तब हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी, रावण के जो पूरी सभा वहाँ पर लगी थी उस सभा को देखा, उसकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कुछ कहीं नहीं जाती है, उस ऐश्वर्य का वर्णन नहीं किया जाता है। कर जोरे सुर ऋषि विनीता लुगुट विलोक सकट। अब हनुमान जी जो है रावण के मेघनाम के द्वारा उनके बल जाने पर ब्रह्मास्त्र के द्वारा जब बल जाने पर ब्रह्मा विष्णु महेश का मान सम्मान रखने के लिए हनुमान जी ने जिस प्रकार से अपने को बलना स्वीकार किया तब शिव जी पार्वती से कहते हैं कि ऐसा संभव नहीं हो सकता है। लेकिन नीति और मर्यादा का ध्यान रखते हुए हनुमान जी ने इस प्रकार का कार्य किया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की लाज को रखने के लिए। कर जोरी सुर ऋषि विनीता तब रुकुट विलोक सकल छवि था, तब देवता कर जोरी सुर ऋषि विनीता चारों तरफ के जो देवता दिशाओं में थे दिखपाल चारों हाथ जोड़कर नम्रता के साथ भयभीत हुए, इस रावण की ताक कर रहे हैं, रावण को देख रहे हैं कि अभी क्या निर्णय लेता है क्या करता है। तब जो है सब लोग चारों दिशाओं से भगवान जो देव लोग में चारों तरफ से लोग देवता देख रहे हैं उस रूप को देख रहे हैं, ऐसे समय को देख रहे हैं, ऐसे इस समय का इंतजार कर रहे हैं। देख प्रताप ने कभी मन शंका और उनका ऐसा प्रताप देख सरकार के प्रभाव को देख करके हनुमान जी के मन में जरा सी भी डर नहीं हुआ, किसी प्रकार का संशय उनको नहीं हुआ। और जिमी आई गण महु गरुड़ अशंका, वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक निर्भय रहता है। और गरुड़ जो है दोस्तों वह जो है अनेक प्रकार के सर्पों को खा जाता है, सांपों को खा जाता है। लेकिन वहाँ पर हनुमान जी का तुलसीदास जी द्वारा इस प्रकार का मार्जिन वर्णन किया है कि हनुमान जी को वहाँ पर इस प्रकार से वह शांत भाव से वहाँ पर पूरी रचना पूरी लीला को देख रहे हैं और लीला को दिखा रहे हैं। और वे ऐसे निशंक खड़े रहे, ऐसे स्तब्ध होकर के खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक निर्भय होकर खड़ा रहता है। कभी भी लोगों की दशा न हो भेजा का भी दुर्भाग्य, कभी कभी बिलू की दशा न
हनुमान जी को देखा रावण अनेक प्रकार के गलत व्यवहार और दुर्वचन कहने लगा और खूब हंसने लगा, ठाके मारने लगा। और रावण का ऐसा स्वभाव था, वो घन घमंड अनेक प्रकार से घन अभिमान से वो अभिशप्त था, तो अनेक प्रकार से हंसने लगा और उसके ठाके लगा के हंसने लगा। सुनबद सूरत की न बुनी कि पुत्रवध का स्मरण किया तो उसने हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया, पुण्य हो जा हृदय विषाद। जब उन्होंने हनुमान जी, हनुमान ये बंदर ऐसा ऐसा नहीं है, इसको इतनी शक्ति है, अक्षय कुमार जैसे वीर योद्धा को इन्होंने मार डाला है, तो रावण एक तरफ से जहाँ प्रसन्न हो रहा है वहीं दूसरी तरफ से दुखी भी हो रहा है कि मेरे सुत का वध जो है इसने किया है। तब दंग की कौन कहेगी सा गीत हैं बलघाल स्कुल की सा की धोम सोन सुनयु नहीं मोही देखो अति असंकुश। तब कहता है कि लंकावती रावण ने कहा हे वानर कह लंकेश कौन है किसान, तू कौन है, कहाँ से आया है, किसने बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर दिया है। क्योंकि बल घालिर बन खीसा की धोम सुमन सुने उन्हें मोही, क्या तूने कभी मेरा नाम और मेरा यश मेरी कीर्ति कानों से नहीं सुनी है। देखूँ अति असंख शर्त दो ही और हे शर्त मैं तुझे अत्यंत ही बिना भयभीत या निडर जैसा देख रहा हूँ, तुमको किसी की डर ही नहीं है, तुमको भय ही नहीं है। मारे निशर के ही अपराध था, सारे जो राक्षस थे वो किस अपराध से तुमने मार दिए, कौन शर्त हो गई न प्राण बाधा कि, और बता क्या तुमने प्राण जाने का तुझे अपने प्राणों का भय नहीं है। तब सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, रावण के इस प्रकार के वर्णों को सुन करके हनुमान जी ने कहा हे रावण सुन, जिनका बल पाकर पाए जास बल विचित माया, जिसका बल पाकर संपूर्ण ब्रह्मांड के समूह की रचना करती है और वही उन्हीं का उन्हीं ने मेरे को भेजा है, मैं वही हूँ, पूरा ब्रह्मांड जिनके बल से डरता है, जाके बल बिरंच हरीशा पाल दशी, जिनके बल से हे दशी ब्रह्मा विष्णु और महेश क्रमशः सृष्टि का सदन पालन और संहार करते हैं, उन्हीं की कठपुतली के अनुसार पूरा संसार पूरी सृष्टि रचती है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस संसार की सृष्टि की रचना सृष्टि का पालन और सृष्टि का संहार ब्रह्मा विष्णु महेश उन्हीं की मर्यादा उन्हीं के आग्रह के से करते हैं। जा बल शीश धरत संहास सहसाधन, जिनके बल से सहस्त्र यानी फण सहस्त्र फण वाले शेषनाग के अवतार और शेष जी के पर्वत वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करने की जिनको ऊपर अपार शक्ति है, मैं उन्हीं से संबंधित रखता हूँ, उन्हीं से संबंध रखता हूँ। तरह ही जो विविध देव सुरदाता तुम तो सतन शिकावन दाता, हार को दंड कठिन जीव बन जा तई समेत नवदल बन जा, यानी इस प्रकार जो है आकर के उनका वर्णन करते हुए पूरा बताते हैं कि जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार के देह धारण करते हैं। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भर्गद्वार अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम चिदान्यम्। जिस प्रकार कृष्ण भगवान ने संसार में धर्म की रक्षा करने के लिए और अधर्म की अधर्म को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए, बुराई का अंत करने के लिए और सच्चाई को आगे रखने के लिए, सत्य को हमेशा जीवित रखने के लिए, असत्य का हमेशा समाप्त करने के लिए संसार में जन्म लिया। उसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने दशरथ जी के वहाँ जन्म लेकर के अयोध्या में अनेक प्रकार के पापी अत्याचारी अनाचारों का अंत करके देवों का ब्रह्मों का ऋषियों का मुनियों का और सज्जन और सत्संग की स्थापना के लिए संसार में 14 साल का वनवास लेकर के अनेक आत्माओं को प्राणदान दिया है, मोक्ष की प्राप्ति की है। और जो अन्य अत्याचार अनाचार अभिमान घमंड में थे उनका पथ किया, उनका समाप्त किया, उनका अंत किया है। तो नीति और मर्यादा के अनुसार जिन्होंने कार्य किया है, जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार के देह धारण करते हैं,
और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों की शिक्षा देने वाले हैं, तुमको ज्ञान मार्ग के की तरफ अग्रसर करने वाले हैं, और जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह को, पूरे राजाओं के समूह को के घमंड का चूर किया, मैं उनसे संबंध रखता हूँ। खर दूषण तीसरा और बाली, जिन्होंने खर दूषण तीसरा और बाली जैसे राक्षसों का मार करके उनको इस संसार से मोक्ष की प्राप्ति की, और अतुलनीय बधे सकल अतुल बलशाली, और उन सब सब के सब अतुलनीय बलशाली थे, उनके पास अपार बल था, लेकिन उनके बल को भी उन्होंने समाप्त करके इस संसार में अन्याय और अत्याचार की से हमेशा सज्जन और सत्य सत्य को हमेशा प्रतीक के समान इस संसार में बनाया और संसार और लोक कल्याणकारी कार्य किए। जाके बल लवलेश ते जीत हूँ चरा चल जाने ताश दूत में जाकर ही हरिया। अब हनुमान जी ने अपना पूरा रूप खोला, रावण को पूरा मालूम था, रावण का अंत समय आया था, तो रावण की बुद्धि में अज्ञान रूपी अंधकार का पर्दा डला हुआ था। जाके बल लवलेश ते जिनकी लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया, जीते हूँ चराचर झार और ताश दूत में जाकर, जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और ताश दूत में जाकर, और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, सीता जी का जो तुमने हरण किया है, मैं उन्हीं का दूत हूँ। ताश दूत में जाकर हरि आनंद लेना है, उनकी नारी को जो तुम चोर करके लाए हो, हर करके लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। बताओ तुमको मेरे लिए क्या कहना है। अनेक प्रकार के इस प्रकार से भावों को व्यक्त करते हुए हनुमान जी ने जो है रावण को नतमस्तक कर दिया, और रावण का जो घमंड था वो हमेशा के लिए चूर हो गया, और हनुमान जी ने अपनी शक्ति के प्रताप से, बल के प्रताप से अक्षय कुमार जैसे वीर और अनेक जो बलशाली योद्धा देशों को सबको धराशायी कर दिया, और ब्रह्म की ब्रह्मा विष्णु और महेश में ब्रह्मास्त्र की संरचना के लिए, उसके प्रभाव को और उसके अस्तित्व की रक्षा करने के लिए मेघनाथ के द्वारा ब्रह्मास्त्र में बदना, उनके सृष्टि की रचना को हमेशा सजय रखने के भाव तुलसीदास ने यहाँ पर व्यक्त किए हैं। इस प्रकार दोस्तों हनुमान जी ने रावण के अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी प्रकाश से खोलने का प्रयास करके, अनेक प्रकार से जब वह अपने घमंड में चूर था और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से बैर करके वह मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता था, तब उसका ज्ञान रूपी अंधकार जब हनुमान जी ने उनको पूरा विधि विधान के साथ सब कुछ बताया, तब उसका उसकी चेतना खुली, फिर भी वह जो है अपने घमंड में चूर था। आज के प्रसंग में दोस्तों हमें यही प्रेरणा मिलती है कि इंसान को मार करके नहीं मरता है, इंसान को बातों से मारा जाता है, भावों से मारा जाता है, ज्ञान से मारा जाता है, भक्ति की महिमा से मारा जाता है, प्रेम से मारा जाता है। इस प्रकार दोस्तों रावण को हनुमान जी ने इस प्रकार से चूर चूर कर दिया कि वह हमेशा के लिए उसका घमंड का अंत होते गया, और उसका अंत निश्चित ही निकट आ गया। मर्यादा की रचना के लिए उन्होंने जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने उसको उनको आज्ञा दी थी, उसी प्रकार से उन्होंने कार्य किया और परमात्मा का आशीर्वाद उनका प्राप्त हुआ। सबके मंगल भव की कामना के साथ दोस्तों आज के प्रसंग में रावण का अभिमान जिस प्रकार से रावण हनुमान जी ने चूर चूर किया, अब उसको जो है उसके अंत का समय निश्चित है, और हनुमान जी ने अपनी शक्ति का प्रभाव दिखा करके रावण को समझा दिया, सब लोग खुश रहें प्रसन्न रहें। इसी प्रकार सुंदरकांड के पाठ के प्रसंग में
हनुमान जी की विचारधारा, हनुमान जी का शक्ति और परमात्मा के प्रति जो स्नेह भक्ति के भाव हैं, उनकी हमें सदा कद्र करनी चाहिए, उनकी रक्षा करनी है, उसी अनुसार अपने जीवन को प्रेरणा का स्रोत बनाना चाहिए। सब लोग प्रसन्न रहे।